बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में हाजिर हूँ। प्लीज नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोस को दूसरों तक जरूर शेयर किया करें। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मोटापा कम करने के लिए हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा मोटापा दूर हो जाए। नाज़रीन, बहुत से लोग जो है मोटापे की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, और एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, मगर सब फेल हो जाते हैं। जब हमारा वजन कम नहीं होता है, ऊपर से हमें मोटापा को देखकर भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि इससे हमारी शख्सियत बहुत ही खराब लगती है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लाए हैं जो आपके मोटापे को कम कर देगा, वो भी सिर्फ 5 दिन के इस्तेमाल से। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप जो के पानी से अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो मोटापे का मुकाबला करने के लिए एक अहम दवा मानी जाती है और जो बहुत सी बीमारियों से लड़ने की भी ताकत पाई जाती है। जौ में भरपूर विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, कॉपर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, डाइट्री फाइबर समेत कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जो एक अनाज है, ये अनाज की शिकल में फायदेमंद होने के साथ साथ इसका पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ये बहुत सी बीमारियों से जहाँ निजात दिलाता है, वहीं कई बीमारियों के होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। नाज़रीन, आप एक चम्मच जो ले लें, 2 गिलास साफ पानी और 1 चम्मच शहद ले लें। अब आपने जो को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देनी है और सुबह इस पानी को छान कर इसमें शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीना है। निहारूं, आप चाहें तो जो का पानी भी उबाल भी सकते हैं और इस पानी को ठंडा करके इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। आपको खुद ही फर्क नजर आएगा, इस पानी के इस्तेमाल से आपका मोटापा गायब हो रहा है, क्योंकि जौ का पानी पीने से हमारी भूख कम होती है और इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जिससे हमारा पेट भरा भरा महसूस होता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं, क्योंकि जौ का पानी जो है चर्बी को खत्म कर देता है और ये हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म भी सही रखता है। और नाज़रीन, जौ का पानी चर्बी को पिघलाने में मदद करता है और इसके अलावा जौ का पानी पेशाब आवर है और जिससे हमारे जिस्म के सारे जहरीले अंसर बाहर निकल जाते हैं। जौ के पानी पीने से पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे पेट में बदहजमी, उफाड़ा, कब्ज, तेजाबियत वगैरह दूर हो जाते हैं, इससे खांसी भी दूर हो जाती है नाज़रीन, और जौ के पानी को पीने से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जौ में फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज्यादा होती है और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। नाज़रीन, जौ का पानी हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होती है, जिससे दिमाग काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है और इसके पानी पीने से डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। और नाज़रीन, वो औरतें हमल के दौरान औरत के पैरों में सूजन आ जाती है, ऐसे में सूजन को कम करने के लिए औरत को जौ का पानी पीने के लिए दें, इससे उसकी सूजन दूर हो जाएगी। और नाज़रीन, इसमें पाया जाने वाला आंसर कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करता है, जिसकी वजह से आपको दिल से मुतल्लिक किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। दिल की बीमारी होने की बुनियादी वजह कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना होता है। नाज़रीन, मौसम गर्मा के मौसम में इसे पीने से ठंडक मिलती है। अगर आपने तेज मसालेदार खाना खाया है जिसकी वजह से आपको पेट में जलन हो रही हो, तो इसे दूर करने के लिए आप जौ का पानी इस्तेमाल करें। प्लीज नाज़रीन,
ये था आज का मेरा टॉपिक कि हम अपने वजन को योग के जरिए कैसे कम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत तफसील के साथ बताया, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक जरूर पहुंचाया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।